हेलो बच्चों जे ई e. मेन्स की तैयारी में आप सब लोग लगे हुए हो और कुछ ही दिन बचे हैं फाइनल एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट पे किए गए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हमेशा हेल्पफुल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में इसी सिलसिले में हम लोग लेके आए हैं पंजाब क्लासेस की तरफ से एक सीरीज जिसका नाम है टारगेट जे ई ई मेन्स टू सीरीज इसमें हम सभी चैप्टर्स के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बानोमेल थ्योरम बानोमेल थ्योरम में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है जे ई में और जे ई एडवांस में भी आज जो टॉपिक हम लेंगे बानोमिल थ्योरम में उस टॉपिक का नाम है बानोमिल सीरीज तो लेट्स बिगिन द टॉपिक अस फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बानोमल सीरीज क्या कॉन्सेप्ट है बानोमल सीरीज का बच्चों so सीरीज गिवन एज एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन एन सी एन इस कॉल्ड एज बानल सीरीज ये जो सीरीज हमने लिखी है इस सीरीज को हम बानोमल सीरीज बोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या है टू पावर एन एन हमारे पास प्रीफिक्स है एन इज द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स इज आर जीरो वन टू एंड सो ऑन अप टू एन इसमें बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे टोटल टर्म्स टोटल टर्म्स इस सीरीज में कितनी है एन प्लस वन आप सफिक्सिस को काउंट करोगे प्रीफिक्स इज एन और जो सफिक्सिस हैं वो हैं जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन दैट इज एन प्लस वन सीरीज हमारे पास कहाँ से आती है वन प्लस एक्स पावर एन की अगर हम बायनॉमल एक्सपेंशन करें यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स वहां से हमारे पास ये सीरीज आती है अब यहाँ पे एन की प्लेस पे अगर कोई भी और टर्म हो जाए तो उसका वैल्यू क्या बनेगा इफ इन प्लेस ऑफ एन आई हैव एन प्लस वन एन प्लस वन सी जीरो एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी टू सो ऑन एन प्लस वन सी एन प्लस वन इसकी वैल्यू रहेगी टू की पावर में एन प्लस वन अगर हम एन की प्लेस पे कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें लेट से आई राइट एट सी देन एट सी वन एट सी टू एंड सो ऑन अप टू एट सी एट दिस विल बी टू पावर एट मैं अगर एन को ट्वेंटी ले लेता हूं ट्वेंटी सी जीरो ट्वेंटी सी वन सो ऑन ट्वेंटी सी ट्वेंटी इट बी टू पावर ट्वेंटी दैट इज जो भी हम एन की वैल्यू रखेंगे राइट right साइड में एन की पावर टू की पावर में वो वैल्यू हम रख देंगे सिमिलरली इसी सीरीज के साथ एक हम और सीरीज लेते हैं जिसमें अगर हम जो सफिस हैं उनको इवन और ले लें एन सी जीरो एन सी टू एन सी फोर एंड सो ऑन या एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव एंड सो ऑन तो तब इस सीरीज़ की वैल्यू बन जाती है टू पावर एन माइनस वन जैसे मैं ले लेता हूँ लेट से फाइव सी ज़ीरो फाइव सी टू फाइव सी फोर इसकी वैल्यू बनेगी टू पावर एन कितना हो गया है यहाँ पे फाइव सो टू पावर फाइव माइनस वन देट इज़ टू पावर फोर मैं ले लेता हूँ लेट से टेन सी वन टेन सी थ्री टेन सी फाइव एंड सो ऑन। टू पावर यहां पे एन की वैल्यू कितनी होगी है टेन टू पावर टेन माइनस वन इज टू पावर नाइन अगर इवन और, और हम रख लेंगे तो हमारे पास यहां पे में एन की जगह पे क्या आ जाएगा एन माइनस वन एक और सीरीज हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आर सी आर आर प्लस वन सी आर आर प्लस टू सी आर अप टू एन सी आर एन प्लस वन सी आर यहां आप क्या ऑब्जर्व करोगे जो पहली टर्म है उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर इक्वल प्रीफिक्स जो पहले होता है जो ऊपर लिखा जाती है वैल्यू प्रीफिक्स इज इक्वल टू सफिक्स और लास्ट में आपका जो सफिक्स है वो आर है और प्रीफिक्स एन है रिजल्ट में क्या हो रहा है सफिक्स में वन ऐड हो रहा है और प्रीफिक्स में भी वन ऐड हो रहा है लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सी टू थ्री सी टू फोर सी टू ऑन I write 10 C2. Now, if you observe, the series is starting from 2 C2. यहाँ पे prefix suffix दोनों two हैं और सभी term में आपका जो suffix है वो same रह रहा है। Last term में जा करके आपके पास n की value prefix की value two है। Suffix आपका r is equal to two वही चलता आ रहा है। तो result क्या आ जाएगा? 10 plus 1 C2 plus 1 that is 11 C3. Similarly, if I write 4C4, 5C4, सी फोर ट्वेंटी सी फोर यहां पर अब आप देखोगे एन आपका ट्वेंटी हो गया है आर आपका फोर हो गया है सो ट्वेंटी प्लस वन सी फोर प्लस वन दैट इज ट्वेंटी वन सी फाइव आ जाएगा ये रिजल्ट बाइनॉमल कॉफिशेंट्स की प्रॉपर्टी से अपटेन होते हैं जिनको कि हम डायरेक्टली यूज कर, कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में नाउ यूजिंग दी थ्री सीरीज वी विल डिस्कस सर्टन प्रॉब्लम लेट्स गो हैड So, कुछ क्वेश्चन कुछ इलास्टेशन हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं वैल्यू ऑफ द 19c10 19c11 सी 19c13 सी सो सी अप सी 19c19 इज इक्वल टू व्हाट 2 पावर 19 2 पावर 18 2 पावर 20 2 पावर दिस हम क्या करते हैं लेट डिनोट द गिवन सीरीज बाय एक्स एक्स इक्वल टू

लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमने फाइंड करनी है 10 से लेकर के से लेकर के तक थर्टीन एंड कंटिन्यूंग इन दिस वे टिल नाइनटीन सी नाइनटीन हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है नाउ लेट यूज वन प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज यूजिंग एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास इन टर्म्स को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स के फॉर्म में कैसे नाइनटीन सी जीरो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एन सी आर एन सी एन माइनस आर एन सी आर एन सी एन माइनस आर द प्रॉपर्टी इज

आपकी फिर से ये वाली सीरीज ही है जिसको कि हमने x डिनोट किया है जिसकी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंड सो ऑन टिल 19 से 19 इज इक्वल टू व्हाट इट इज इक्वल टू 2 पावर 19 सो नाउ इफ यू पीपल विल ऑब्जर्व जिस सीरीज की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ये वाले टर्म भी उसी सीरीज की बन गई हैं रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको x माना था वी हैड कॉल्ड दिस एज़ x देन दिस इज आल्सो x

आंसर is, is so, आ जाएगा टू पावर एटीन लेट्स गो टू द ऑप्शनली सी हेयर टू पावर एटीन दैट इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सबसे पहली जो सीरीज हमने की एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू उसकी एप्लीकेशन से ये हमें आंसर ऑप्टेन हुआ है अगला क्वेश्चन लेते हैं लेट्स क्वेश्चन in the next question we have 20c0 20c1 20c2 and so on 20c10 the options are 2 power 20 2 power 21 2 power 19 plus half of 20c10 2 power 20 plus half of 20c10 let's do this question in the same manner let us write the given series as x let x equal to 20c0 20c1 20c2 continuing in this way 20c इसको हमने फिर x मान लिया लेट अस यूज द सीरीज ट्वेंटी सी जीरो ट्वेंटी सी वन ट्वेंटी ट्वेंटी सी एट ट्वेंटी सी नाइन ट्वेंटी सी टेन एंड देर आफ्टर ट्वेंटी सी इलेवन ट्वेंटी सी ट्वेल्व इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे ट्वेंटी सी एटीन ट्वेंटी सी नाइनटीन एंड ट्वेंटी जो हमारी सबसे पहले वाली सीरीज थी तो ये हमारी वैल्यू टू पावर ट्वेंटी हमने हमारी गिवन बाइनोमियल सीरीज जो थी उसमें आ, N 0, N में हमने एन को ट्वेंटी पुट कर दिया नाउ व्हाट वी डू हियर हमें वैल्यू कहां तक फाइंड करनी है हमें वैल्यू फाइंड करनी है ट्वेंटी सी जीरो से लेके

ट्वेंटी सी टू कंटिन्यूंग इन दिस वे ट्वेंटी सी एट ट्वेंटी सी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस इलेवन दिस बिकम ट्वेंटी सी नाइन ट्वेंटी इन दिस वे ट्वेंटी ट्वेंटी सी टून ट्वेंटी सी वन एंड ट्वेंटी सी जीरो

2 पावर 20 एक्स प्लस एक्स विल बी कमिंग इक्वल टू 2 पावर 20 प्लस 20 सी 10 हमने 20 सी 10 दोनों साइड्स ऐड कर दिया था ताकि वो दूसरी सीरीज भी हाफ सीरीज जो है वो भी एक्स बन जाए सो so, 2 एक्स इस इक्वल टू 2 पावर 20 प्लस 20 सी 10 डिवाइड बाय एक्स 2 पावर 20 प्लस 20 सी 10 बाय 2 अगर हम सेपरेट कर दें पावर सेपर Plus half of 20 C 10. That is finally. We will get our value of X as 2 power 19. Plus half of 20 C 10. So our final answer will be 2 power 19. Plus half of 20 C 10. Let's go back to the options. So we had the options as. Obviously the C option is correct. 2 power 19 plus half of 20 C 10. Let's move to the next question. The next question says.

60 C 20 becomes 40 C 40 41 C 40 42 C 40 so on 60 C 40 but so now let us use the property currency property C series R C R R plus 1 C R R plus 2 C R continuing in this way N C R this is N plus 1 C R plus 1. इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो अगर हम कंपेयर करें इस सीरीज के साथ इस सीरीज को तो यहां पे हमारे पास एन एन मतलब ये लास्ट वाले टर्म एन इज सिक्सटी और आर कितना है बच्चों आर है फोर्टी तो रिजल्ट क्या है एन प्लस वन देयर फॉर हमारे पास ये सीरीज का रिजल्ट क्या बनेगा सिक्सटी प्लस वन सी फोर्टी प्लस वन दैट इज सिक्स वन तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी वन सी फोर्टी वन यूजिंग दिस सीरीज एंडल एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस क्या थी क्लियरली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ योर प्रीवियस ईयर जे एमेंस टू का ट्वेंटी क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है सिर्फ हमारे हमें सीरीज जो है आर सी आर आर प्लस वन सी आर अप उसका रिजल्ट पता होना चाहिए था प्लस प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉफिडेंट लेट्स मूव हेड नाउ लेट्स टेक अनदर सीरीज इज एनसी जीरो प्लस टू इंटू एन सी प्लस थ्री इंटू एन सी टू एंड सो ऑन अप अपू एन प्लस वन इंटू एन सी एन दीज आर द अब अगर हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करें आई राइट द सीरीज आई राइट इट एज वन इंटू एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन प्लस थ्री इंटू एन टू कंटेनिंग इन दिस वे एन प्लस वन इंटू एन एन बच्चों यहां पे सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल टर्म्स कितनी हैं टोटल टर्म्स टोटल टर्म्स आप कैसे पता करोगे सफिक्स इसको देखो आप जीरो वन टू एंड सो ऑन एन सफिक्स इसको काउंट कर लो आप सफिक्स दैट इज जीरो वन टू थ्री and so on up to n now clearly we can see here these are n plus 1 suffixes n plus one terms ho jayenge hamare paas so these are n plus 1 terms second thing you will observe is yahan pe jo ye wali terms hain 1 2 3 and so on up to n plus 1 ye hamare paas arithmetic progression bana rahe hain और ये terms हमारे पास एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एंड सो वन एन सी एन ये बाना मिल्क ऑफिशियंट ये ये एक ऑब्जर्वेशन है इस सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी जनरल टर्म लिखते हैं लेट्स राइट द जनरल टर्म आई री राइट सीरीज एज वन इन टू एन सी जीरो प्लस टू इन टू एन सी वन प्लस इन टू एन सी टू सो ऑन एन प्लस वन इन टू एन सी एन अगर हम इसकी जनरल टर्म लिखें इस सीरीज की लेट्स राइट द जनरल टर्म बाय ऑब्जर्वेशन हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमारे पास वन टू थ्री सो ऑन एन प्लस ए पी है और एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एंड सो ऑन एन सी एन हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम बी सी बोल सकते हैं अब इस ए पी की एन टर्म अगर हम इसकी एन टर्म या एन टर्म की बजाय मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं केयर टर्म लेट्स राइट टर्म लेट्स राइट द टर्म ऑफ दिस सीरीज की अगर मैं के प्लस वन एट टर्म लिखू के प्लस वन एट टर्म इन बॉनोमल कॉफिशंट की बाय ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिस इज As N -K, क्योंकि ये आपका जीरो से शुरू हो रहे हैं so को जीरो पुट किया, तो पहले टर्म फर्स्ट एन सी के इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं के प्लस वन इन टू एन सी के नाउ लेट्स मूव हेड ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं तो सिग्मा ऑफ के इक्वल टू जीरो टू एन के इन टू एन सी के प्लस ऑफ एन सी के सिग्मा को हम स्प्लिट कर देते हैं के टू एन सी के के एन प्लस सिग्मा ऑफ के इक्वल टू जीरो टू एन एन सी के बच्चों यहां पे अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉनोमल कॉफिशंट की अनदर प्रॉपर्टी व्हाट दैट प्रॉपर्टी इज एन सी आर एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन एन सी आर एन बाई आर प्रीफिक्स और सफिक्स का रेशो और दोनों में से एक एक वैल्यू कम कर देंगे तो इसको यूज करते हुए ये सीरीज क्या बन जाएगी दिस विल समेशन के इक्वल टू जीरो माइनस वन और प्लस सिगमा एन सी के इक्वल टू जीरो के गल्ड और एन कॉन्स्टेंट है वो समेशन से बाहर आ जाएगा फाइनली ये मेरे पास बन गया के इक्वल टू जीरो टू एन एन माइनस वन सी के माइनस वन एंड के नाउ वी ओपन दिस सीरीज सो लेट्स ओपन दिस सीरीज ये बन जाएगा मेरे पास एन इन टू एन माइनस वन सी जीरो एन माइनस वन सी वन सो ऑन एन माइनस वन सी एन माइनस वन और दूसरी सीरीज को अगर हम ओपन करेंगे हम यहां पे के को वैल्यूज पुट करते जाएंगे के जीरो देन वन एंड सो ऑन अप टू एन यहां पे भी के को वैल्यूज पुट की हैं तो दूसरी सीरीज भी हमारी ओपन होके क्या बन जाएगी एन सी जीरो एन सी वन सो ऑन एन सी एन नाउ लेट्स द राइट रिजल्ट ऑफ बोथ द सीरीज टू पावर एन माइनस वन टू पावर एन माइनस वन प्लस एन इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू पावर एन टू प्लस एन टू पावर एन बी कॉमन एन बाय टू प्लस एन टू एन प्लस एन बायू एन प्लस टू विच कैन बी फाइनल आंसर विल बी एन प्लस टू इंटू टू पावर एन माइनस वन लेट सी दोल्यूशन ऑफ दिस

And number of terms. Total terms are N. और हमारे हमारे पास coefficients हैं, सो हमारे पास हैं, इसका क्या आता है अगर हम इसको जनरलाइज करें टू ए प्लस एन डी इन टू टू पावर एन माइनस वन तो इस सीरीज को एक नाम भी दिया गया है बाइनो अर्थमेटिक सीरीज सीरीज जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर लेट से आई राइट थ्री इंटू टेन सी जीरो फाइव इंटू टेन सी वन सेवन इंटू टेन सी थ्री टेन सी टू एंड कंटिन्यू इन दिसमिली थ्री इंटू टेन सी टेन टेन सी टेन आप देखो थ्री फाइव सेवन एंड ट्वेंटी थ्री टर्म्स ऑफ एपी और टेन सी जीरो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे टोटल टर्म्स एपी की कितनी आएंगी टोटल टर्म्स हमारे पास दैट इज टेन प्लस वन दैट इज इलेवन इज हमारे पास एन टेन है अगर हम यहाँ पे इस रिजल्ट में ए डी और एन की वैल्यूज पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा टू इंटू थ्री प्लस एन हमारे पास टेन है टेन इंटू टू इंटू टू पावर टेन माइनस वन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा ट्वेंटी सिक्स इंटू टू पावर नाइन तो डायरेक्ट आंसर भी हम अपेन कर सकते हैं वंस वी रिक्नाइज दैट द गिवन सीरीज इज अ बाइनो अर्थमेटिक सीरीज. लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चन लेट्स ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नाउ हेयर अगेन दिज आर द ऑप्शन वी हैव एंड दिस इज अ सीरीज गिवन टू आ सिमिलर टू दीरीज दैट वी डिड जस्ट नाउ इफ वी ऑब्जर्व हेयर टू फाइव एट So on, 62. These are the terms of AP. और ये टर्म्स so, so अगर हम सारी टर्म्स को A, जो हमारे पास प्रोग्रेशन की जाएगा अगर आप यहां से आपके पास टोटल इस एपी की ट्वेंटी ही आनी थी तो यहाँ पे एन ट्वेंटी है डी थ्री है और ए टू है तो अगर हम डायरेक्टली हमने अभी सीरीज की है वैल्यूज पुट कर दे तो हमने अभी सीरीज

फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी एंड नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स विल भी ऑब्वियसली हमारे पास बॉनॉमल की वैल्यू है हमेशा वो ही होंगी तो एन विल बी ऑलवेज जो यहाँ पे बॉनॉमल कॉफिशियंट है और बानोमल कॉफिशियंट शुरू होने चाहिए फर्स्ट टर्म दैट इज सफिक्स शुड बी जीरो तभी हमारा एग्जैक्ट सीरीज बनेगा अगर उसके आगे पीछे है कुछ कोई टर्म मिसिंग है तो वो एड सब्जेक्ट करनी पड़ेगी जैसे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा था तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बानामल सीरीज की बनती हैं जेईई मेंस में काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और लास्ट मोमेंट्स चल रही हैं आपकी प्रेपरेशन की आप फोकस कीजिए इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स की हम लेके आएंगे ताकि वो आपको हेल्पफुल हो सकें आपकी प्रेपरेशन में और जे ई मेन्स को क्रैक करने में ऑल द बेस्ट लगे रहिए और देखते रहिए पंजाब क्लासेस वीर गुरविंदर सिंह सर थैंक यू सो मच